गया। भगवान राम के लिए वन मांगा, 14 वर्ष का भरत के लिए राज्य मांग लिया माता कहते ने, और मेरे प्रभु भरत के लिए चले गए। वन में निषाद से मैत्री की सुमंत को वापस किया, केवट के द्वारा भगवान ने गंगा को पार किया और वहां ऋषियों की मुनियों के आश्रमों पर जाकर बहुत सुंदर आनंद प्रभु जी ने किया। पंचवटी स्थान पर भगवान ने रहना प्रारंभ किया और यहाँ भगवान ने नरलीला करना प्रारंभ किया। तो देखिए सुपरखा के नाकानों को काट दिया गया, माता सीता को अग्नि में प्रवेश करा दिया गया, भगवान ने खरदूषण आदि तीसरा किसेना का वध किया है। सुपरखा रावण के पास गई तो मादी मृग सोनिका बना करके रावण ने माता सीता का हरण किया है। भगवान ने माता सीता की खोज की, लेकिन खोज करते करते मुनियों की अस्थियों के ढेर पर भगवान ने संकल्प किया है, जटायु का दाह संस्कार किया है और सबरी को दिव्य ज्ञान दिया है। हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव से मित्रता कर वाली का वध किया और माता सीता की खोज प्रारंभ कराई है। हनुमान जी ने समुद्र लांघ करके लंका में जब माता सीता की खोज की, लंका का दहन किया है। भगवान श्री राम ने सेतु का निर्माण किया, समुद्र को मनाया, शिव जी की आराधना की है। बहुत सुंदर सेतु का निर्माण कर लंका में पहुंच अंगद को शांति दूत बना करके भेजा। किसी भी तरह से रावण नहीं माना है तो आज भगवान ने राम रावण का युद्ध प्रारंभ किया है और बहुत बलशाली योद्धाओं को परास्त करते हुए श्री रामचंद्र जी की विजय हुई। और देखिएगा विभीषण को राजा बना दिया गया, रावण का वध हो गया है। माता सीता को अग्नि परीक्षा से प्रकट करके भगवान बहुत सुंदर विमान में बिठा करके लेकर के आए और अपने भाई भरत जी को आनंद मग्न किया और आकर के पुनः अयोध्या के राजा बने। जब भगवान अयोध्या के राजा बने सभी प्रश्नचित हुए, बड़ा आनंद आया है सबके जीवन में। और उसके बाद में सुखदेव स्वामी ने बड़ा सुंदर कहा, एक बार प्यार से बोलेंगे, राजा रामचंद्र भगवान की। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, गुरुदेव चतुर्थ दिवस बीतने जा रहा है, समय बहुत कम रह गया है, अब मुझे आप मेरे इष्ट भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाने की कृपा कर। परीक्षित के प्रश्न करने से ही आज सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन तुम्हारे प्रभु की बाल लीलाओं को श्रवण कराने का मेरा भी मन है। द्वापर युग का अंत होने वाला था, पापियों के अत्याचार से माता पृथ्वी ग्रसित हो गई, घबराने लगी थी। बड़े बड़े पापी दुष्ट आताताई पृथ्वी पर पैदा हो गए। गाय का रूप रख करके देवताओं के साथ भगवान श्री हरि विष्णु के धाम में ये गई, लेकिन वहां ये नहीं मिले भगवान। बोले बाबा ने कहा, प्रभु तो सब जगह व्याप्त मान है, इसलिए यही खड़े रह करके मनाओ, में आ जाएंगे वो कहीं से न कहीं से। इसलिए बड़ा सुंदर कहा, देवताओं ने बड़े सुंदर भाव से भगवान को मनाया तो भगवान ने आशीर्वाद की आकाशवाणी की है, देवता लोगों धैर्य धारण करो, मैं हर युग युग में आया हूँ, आज भी आऊंगा तुम्हारी सुरक्षा हेतु, लेकिन अब की बार मेरा जन्म होगा मथुरा के महाराज कंस के कारागृह में, मैं देव की माता का पुत्र बन के पधारूंगा, लेकिन मेरा लालन पालन नंद बाबा के यहाँ गोकुल में ब्रज में होगा, इसलिए आप सभी मेरी सहायता के लिए मेरी बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहते हैं तो ब्रज मंदिर में जाकर अवतार लो, वहीं मैं ब्रज लीला करना चाहता हूँ। और देखिएगा बड़ा सुंदर है, ऐसा भगवान ने आश्वासन दिया है और पापियों का वध करूंगा, माता पृथ्वी की घबराहट बेचैनी को फिर से समाप्त करो। और भगवान ने जब आश्वासन दिया है तो देखिए भगवान की आज्ञा लेकर के ऋतुआ श्रुतुआ देवंगना है ऋषि मुनिवर सभी लोग गोकुल में आ गए, अपने अपने अंश अवतार से, कोई लता पता तो कोई डाल, कोई ब्रज रज का कीड़ा तो कोई ब्रज रज की गोपी तो वो कोई बछड़ा कोई गाय, सभी गोकुलम बन बैकुंठम ताप शास्त्र ते दुमाहा। आज ऐसा लग रहा है जैसे कि गोकुल नहीं बैकुंठ रहे, क्योंकि भगवान के बैकुंठ वासी सभी लोग यहाँ आकर के अवतरित हो गए प्रभु जी के साथ लीला करने की। और यहाँ
सत्वा भगवान की प्रिय गोपियां बनी आकर के बहुत सुंदर भाव है। मथुरा के महाराज उग्रसेन के पुत्र कंस ने उनको बलपूर्वक कारागृह में डाल दिया और स्वयं मथुरा का शासन करने लगा। बहुत बड़ा अत्याचारी है, आता था ये समय बदल आया। महाराज कंस की एक कचेरी बहन है देवकी, देवक की पुत्री है। वह अपने मित्र वसुदेव के साथ में उनका विवाह कर रहा है, बहुत उमदास। और विवाह करने के बाद उन्हें लेकर के इतनी श्रद्धा है इनके अंदर, बहन के प्रति विदा करने के लिए स्वयं रथ के सारथी बन गए और जा रहे हैं लेकर के। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई है, अरे महाराज कंस, आप जिस बहन को इतनी श्रद्धा पूर्वक सारथी बन करके रथ में बिठाल कर ले जा रहे ना, आपकी इसी बहन देवकी का आठवां पुत्र तुम्हारा काल होगा, काल होगा, काल होगा। लेकिन कारण है, यह प्रेम तो बढ़ रहा है इसका, लेकिन सट है यह दैत्य प्रवृत्ति का है, इसलिए ध्यान में बैठ गया। देवकी का आठवां पुत्र मेरा काल होगा। लेकिन देवताओं तो बड़े मूर्ख हो, काल अगर होता मुझे न बताया जाता तो मेरा काल जीवित रहता, तुम्हारा फायदा होता भाई। लेकिन तुमने मेरे काल को मुझे आकर बता भी दिया, अब देखता हूं कि मेरा काल कैसे आता है दुनिया में। देवकी का आठवां पुत्र मेरा काल होगा ना, इसलिए देवकी ही नहीं रहेगी तो काल कहां से आएगा। उसके बाल पकड़ करके तलवार से उसे मारना चाहता है, ना रहेगा बांस और ना बाजेगी, देवकी को ही मार डालो, पुत्र कहां से होगा फिर, इसलिए मारना चाहते हैं उसे। लेकिन जैसे ही मारने के लिए तलवार निकाली, वसुदेव जी ने पकड़ लिया उसे, नहीं महाराज जी आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय होने के साथ पुरुषार्थवादी हैं, दुनिया के राजा आपसे डरते हैं, दुनिया में आपकी बहुत बड़ी पहुंच पुरुषार्थ है। एक अबला नारी को का पद अगर आपने आपने अपने हाथों से कर दिया तो मैं बहुत बुरा होगा, लोगों के अंदर तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारा कौशल है ना सब बेकार हो जाए। मैं तुम्हें तुम्हारा मित्र होने के नाते बता रहा हूं, देवकी तुम्हारा काल नहीं बल्कि देवकी के पुत्र तुम्हारे काल है, तुम्हें वादा करता हूं मैं मित्र हूं तुम्हारा, देवकी की सभी संतानों को तुम्हें ला कर दूंगा। अपने मित्र की बात पर विश्वास था सज्जन, इसलिए छोड़ दिया। सुखदेव स्वामी ने कहा देवकी का पहला पुत्र हुआ है, जिसे लेकर के महाराज कंस के दरबार में आए तो कंस ने उसे वापस लौटा दिया और उत्सव मनाने का आदेश दिया है, भांजा हुआ है मेरे, उत्सव मनाओ नगर में। डोलियां पिटने लगी, उत्सव मनाने लगे, देवताओं ने कहा नारद जी से जाओ, जाकर के बुद्धि को बदलो इसकी, को यह भांजा भांजी नातेदारी रिश्तेदारी समझने ही लग गया तो फिर मारा नहीं जाएगा। नारद जी एक टोकरी लेकर के आए जिसमें आठ पुष्प थे, अगर के बड़ा सुंदर महाराज नारद जी का उपकार किया कंस ने, तहसील के सम्मान किया और आठ पुष्पों से भरी टोकरी को देकर के नारद जी ने कहा भैया आप यह देखो इस टोकरी में आठ पुष्प हैं, एक काम करो इसमें से जो मैंने पहला पुष्प तोड़ा था उसे निकाल के मुझे दे दो। और कंस ने नारद की पहेली को समझा, एक पुष्प को उठाया नहीं यह नहीं हो सकता, दूसरे वाले को उठाया ये नहीं हो सकता। नारद जी ने कहा नारायण नारायण तुम्हारे पुष्प की नहीं है, चले गए। कंस अब इस पहेली पर विचार करने लगा, नारद मेरा हितैषी है अवश्य ही कुछ न कुछ बता करके गए, इसे समझ में आ गया यहां से यहां यहां से यहां, इसे उठाए तो यह आत्मा, इसे उठाए तो यह आत्मा, मतलब ये देवताओं की चाल हो सकती है। ऐसा ना हो जाए कि देवकी के पुत्रों को पीछे से गिनना प्रारंभ कर दें, पहले वाला भी आत्मा हो जाएगा। अब तो बुद्धि खराब, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि बिगड़ने लगी इसकी, और जब बुद्धि बिगड़ी तो देवकी के पुत्रों को यह मारने लगा है। और इसी प्रकार से छह पुत्रों को मार डाला, सातवां गर्भ माता देवकी ने धारण किया तो भगवान शेष पधार गए।
लेकिन भगवान विष्णु ने योग माया से कहा जाकर के माता देवकी के सातवें गर्भ को सुरक्षित माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, ये मुझसे बड़ा बनने की लालसा में पहले ही चले गए, लेकिन कंस बहुत बड़ा आता था ये छोड़ेगा नहीं, इसलिए जाओ योग माया ने संकर्षण विधि के द्वारा आज माता देवकी के गर्भ को रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया, जहां माता रोहिणी का जब पुत्र हुआ तो इनका नाम जो जिन्हें बलराम कहा जाता है यही थे, लेकिन देखिए बलराम जी देवकी माता के पुत्र हैं, यह देवकी माता का सातवां गर्भ ही बलराम का है, इसलिए दो माताओं के गर्भ में होकर के जन्म लेकर आने वाले हैं बलराम जी। उसके बाद आठवां गर्भ धारण करने से पहले भगवान ने आकर के वरदान दिया है, माँ हे माता पिताओ मैं तुम्हारे यहाँ अवतार लेने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा अवतार होते आप मुझे यहाँ से गोकुल में छोड़ करके नंद बाबा यशोदा भैया के यहाँ चले आए। वसुदेव जी ने कहा प्रभु या बेड़िया या बंधन या पहरेदार कैसे करेंगे हम, भगवान ने कहा है जहाँ मैं होता हूँ ना वहाँ ये बेड़िया बंधन काम नहीं करते, प्रयास करना। ऐसा आश्वासन दिया और चले गए, बड़ा सुंदर समय आया, माता देवकी ने आठवां गर्भ धारण कर लिया, पुत्र प्राकट्य का समय आया, कारागार चमकने लगा है, कंस ने पहरेदारों को बढ़ा दिया, द्वारपाल बढ़ गए, कड़ा पहरा कर दिया, कुंदे ताले बहुत कठिन जटिल से जटिल लगवा दिए गए, यही मेरा काल है कैसे ही बचकर नहीं आना पाए, बस दिन रात यही तरफ रहती कैसे भी बच न जाए बेचैन रहता है। लेकिन यहाँ भगवान के प्राकट्य का समय आया, बहुत सुंदर बात, देवता लोगों ने विमानों में चढ़ चढ़कर भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया है, हे प्रभु पधारिए जन संसार का कल्याण करने के लिए। और देखिएगा बहुत सुंदर भाषा में सभी लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं, मुनिवर ऋषिवर मानव सब प्रभु पधार रहे हैं, आप हम आपको भी बड़े प्यार से करेंगे भगवान की स्तुति, बड़े सुंदर भाव से तालियां बजा करके बड़े प्यार से मुखारविंद से बोलते हुए भगवान की स्तुति गए हैं। स्वागतम कृष्ण हे प्रभु पधारो, स्वागत है आपका, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण ऐसा लग रहा है कि भगवान के आने की तैयारी में आप स्वागत कर रहे हैं, लग रहा है सर, रिश्तेदार घर पर आ जाए तो कितनी स्वागत करते हैं, कितना स्वागत करते हैं, एमएलए एमपी अगर कोई आ जाए गांव में तो कितना सम्मान किया जाता है उसका, ये दुनिया के प्रधानमंत्रियों का भी मंत्री है, ये सभी का चीफ है जो आ रहा है यहाँ, जैसे सृष्टि बनाई ब्रह्मा उसका भी है प्रधान, अच्छे से ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे वो, कह रहे हैं मेरे आने के लिए उत्सुक मानव उत्सुक हो, इसके अंदर भाव उमड़े, बस
प्रसन्न होकर के, मदमस्त होकर के भगवान के लिए तालियां बजाएं। सत्यम व्रतम सत्य परम पित्र सत्यम सत्य से यौनि हत्य सत्य सत्य से सत्य व्रत सत्य नेत्र सत्याम तम ताम शरण प्रपन्नम स्वागतम कृष्ण शरणागतम प्रकृति बदल गई। रात्रि में कमल खेलने लगे, अग्निहोत्र की अग्नियां बुझ गई, कंस के अत्याचार से वो जल गई स्वयं, चारों ओर प्रकाश छा रहा था, लेकिन आकाश में देवताओं ने धुंधली बजाई, गंधर्व किन्नर गाने लगे, अप्सरा नृत्य करने लगी, चारों ओर मेघ गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, अंधकार का साम्राज्य हो गया। भादौ कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र अर्ध रात्रि बुधवार दिन भगवान सूर्य कलाओं से युक्त चंद्रमा जैसे प्रकट होता है आ गए। वसुदेव जी ने तुरंत ही किसी टोकरी में रखा, पेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए और इन्हें लेकर के चले गए। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा ओ स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा ओ स्वागतम कृष्णा अभिवादनम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बड़ा सुंदर था। वसुदेव जी लेकर के चले भगवान, काले अधियारी रात्रि काले काले मेघ बरस रहे, शेष भगवान ने छत्र लगा दिया उस पर, बड़े आराम से मेरे प्रभु को कष्ट न हो। वसुदेव जी यमुना में होकर के निकले, यमुना माता ने रास्ता मार्ग दे दिया इन्हें, और यशोदा रानी के यहाँ जाकर अर्ध रात्रि में ही अपने लाला को सुला दिया वहां, और सुला करके बड़े प्यार के साथ मैं वहां से यशोदा रानी की कन्या को लेकर के यमुना में होकर पुनः फिर मथुरा में पड़ा रहे। लेकिन मथुरा में आए ना कन्या को लेकर के, ये तो बेड़ियां लग गई, दरवाजे लग गए, पहरेदार जाग गए, और साथियों ये रोने लगी है ये कन्या। लेकिन जब ये कन्या रो रही है ना, पहरेदारों ने जाकर बताया, महाराज तुम्हारा काल आ चुका है, जन्म ले लिया उसने, और ये कंस फड़फड़ाता हुआ भागता हुआ आ रहा है, मेरा काल मेरा काल मेरा काल मेरा काल मेरा काल, गिरता पड़ता, पकड़ लो इसे, काट